अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स आपका उर्दू बी का लेक्चर है। उर्दू बी के लेक्चर में मैं आपको खत पढ़ाऊंगी। खत है आपका चचा के नाम तोहफा मौसूल होने पर इजहार तशक्कुर। सामने बोर्ड पर आपकी सहूलत के लिए मैंने खत लिखने का तरीका लिख दिया है आपको। सबसे पहले आपके राइट साइड इम्तहानी मरकज लिखेंगे और उसी के नीचे आप तारीख लिखेंगे, जिस तारीख को आप खत लिख रहे हैं उसी दिन की तारीख लिखेंगे। और साथ में जैसे 22 जुलाई लिखा है मैंने, 22 जुलाई 2020, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप लिखेंगे जिनको खत लिख रहे हैं, यानी चचा को लिख रहे हैं तो प्यारे चचा जान, उसके बाद पजाइए का निशान लगाइए, अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद खत्मे का निशान, यानी यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो गई। अगली लाइन मैंने ड्रॉ की है वो देखिए, उसमें नफ्स मजमून यानी किस लिए खत लिखा है, चचा जान को खत लिखा है, लिखना है, उन्होंने आपको मुबारकबाद भेजी और साथ में तोहफा भेजा तो आप उनको शुक्रिया का खत लिख रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ में आप बताइएगा कि आपका खत मिला और कंप्यूटर में, मैं आपकी सहूलत के लिए ये बोल देती हूँ, सुन लीजिए, आपकी तरफ से मुबारकबाद का पैगाम और कंप्यूटर का तोहफा मौसूल हुआ, जिसे पाकर इतनी खुशी हुई जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वाकई मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। ये तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में लिखिए, ये तोहफा आपकी मोहब्बत और खलूस की याद दिलाता रहेगा, इससे मेरा तालीमी फ़ायदा भी होगा और फुर्सत के औकात में तफरीही सरगर्मी भी मैसर होगी। सेकंड हो गया। लास्ट पैराग्राफ में आप लिखिए, आपकी तरफ से यह तोहफा पाकर मैं बेहद खुश हूँ, एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आखिर में दुआया कलमात कहिए, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ साथ खुशियों भरी उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही लिखिए, चची जान को मेरा सलाम कहिएगा और छोटे बहन भाइयों को मेरा प्यार कहिए। वस्सलाम, आपका भतीजा अली बेजी। ये आपका एक खत हो गया। दूसरा खत जो मैंने आपको छुट्टियों से पहले करवाया था उसको दोहरा लेते हैं। वालिद के नाम है बीमार कुर्सी के लिए। लिखने का तरीका यही होगा, इम्तहानी मरकज लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर प्यारे अब्बा जान, चचा जान की जगह अब्बा जान कर लीजिए, अस्सलामुअलैकुम, इसी तरह ही फजाइए का निशान और खत्मा लगा के यहाँ बात मुकम्मल कर देंगे। आप आगे सुन लीजिए, आज भाई जान का खत मौसूल हुआ जिसमें आपकी खराब सेहत का पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हुई कि बीमारी का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, जी चाहता था कि इत्तला पाते ही फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ, लेकिन मजबूरी है कि इन दिनों मेरे सालाना इम्तहान हो रहे हैं, इम्तहान ख़त्म होते ही इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, मेरी गुजारिश है कि आप किसी तजर्बाकार डॉक्टर से मशवरा करके बाकायदा इलाज कराएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और काम काज वगैरह से परहेज करते हुए मुकम्मल आराम करें। आखिरी पैराग्राफ में लिखिए, क्योंकि परहेज निस्ब इलाज है, इंशाल्लाह आप जल्द सेहत याब हो जाएंगे, दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ खुशियों भरी उम्र दराज अता फरमाएं, आमीन। ये आपका खत हो गया। आप सलाम, आपका बेटा अली बेजी। दोनों खतूत हो गए। तफी में इबारत नंबर है 2। ये स्टूडेंट आपको बुक से पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। इससे पहले आप दूसरी चीज़ें जो नीचे लिखी हैं, तस्कीर तानीस है आपका कायदे इंशा के अंदर, कायदे इंशा आपके पास होगी, तस्कीर तानीस कायदे इंशा का आपका पेज जो है मेरे पेज नंबर 13 है। स्टूडेंट हर बुक की नंबरिंग जो है थोड़ी सी चेंज होती है, तो आप अपनी बुक से देखिएगा। तस्कीर तानीस कहते हैं मुजक्कर और मोनस को, बहुत आसान है, मामू से लेके मुला तक। एक बार मैं सारे पढ़ देती हूँ, आप ही अपनी बुक खोल के बैठिए मेरे साथ। मामू, मुमानी, शोहर, बीवी, शहजादा, शहजादी, खामिद, बीवी, बाप, माँ, बूढ़ा, बुढ़िया, मियाँ, बीवी, दामाद, बहू, बेनोई, बहन, नाना, नानी, बादशाह, मलिका, अब्बा, अम्मा, ससुर, सास, रंडवा, देवा,
दादा दादी। अब सेकंड इसका जो टेबल है वो देखिए, लड़का लड़की, भतीजा भतीजी, बंदा बंदी, साहबजादा साहबजादी, कंवारा कंवारी, जुलाहा जुलाही, चचा चची, नवासा नवासी, पोता पोती, नाना नानी, बेटा बेटी, फूफा फूफी, ताया ताई। अब थर्ड है इसका घसियारा घसियारन, देवर देवरानी, चमार चमारी, महतर महतरानी, सुनार सुनारी, जेठ जेठानी, कुम्हार कुम्हारी, फ्रंगी फ्रंगन, गोजर गोजरी, दुल्हा दुल्हन, मुल्ला और मुलानी। ये तो आपके मुजक्कर मुअन्नस हो गए। वाहिद जमा भी आपके पेज नंबर 9 पर है, आप अपनी बुक के नंबर को भी देखिएगा। फेल अफाल ये वाहिद जमा है आपके। हुक्म अहकाम, मौज अमवाज, शुगर अशगाल, साहिब असहाब, हाल अहवाल, हजर अहजार, रोशनी अनवार, सॉरी नूर अनवार, लुत्फ अल्ताफ, जिक्र अजकार, अलम आलाम, शजर अशार, अशजार शजर अशजार, सौत अस्वार, अमर अमाल, जिन्स अजनास, मौत अमवात, खुल अखलाक, नुह अनवा, लफ अल्फाज। ये हो गया आपके वाहे जमा। इसके नीचे देखिए लाके, लाके अल्फाज हैं आपके दो। आपकी टर्म में लाके होते क्या हैं? वो हरूफ जो नए अल्फाज और तरकीब बनाने के लिए मुफरद अल्फाज के बाद लगाए जाते हैं, इन्हें लाके कहते हैं। जैसे बाज लाकर से जानबाज, खलाबाज, धोखेबाज वगैरह। हमारे पास दो अल्फाज हैं, अंदेश और बांध। अंदेश से मैंने लाके बोर्ड पे बना दिए, देखिए बद अंदेश, खैर अंदेश, दूर अंदेश। दोबारा देखिए, अंदेश बद अंदेश, खैर अंदेश, दूर अंदेश। उसके बाद है बान, पासबान, गाड़ीबान, मेहरबान, दरबान, बागबान। ये तो हो गए आपके लाके। और साबके, साबके की पहले आपको तारीख बता दूं, वो हरूफ जो नए अल्फाज और तरकीब बनाने के लिए मुफरद अल्फाज से पहले लगाए जाते हैं, इन्हें साबके कहते हैं। जैसे बे अलिफ बा, बा साबका है, बा अदब, बा कायदा, बा वकार वगैरह। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता दी। हमारे पास साबका है नून और अन। नून से नडर, निकम्मा, निखट्टू। अन से अनपढ़, अनमोल, अनगिनत। ये है आपके सबके और लाके जो आपके सिलेबस में थे। अब आ जाते हैं बुक पर। तहफीज में इबारत नंबर 2 पढ़नी है। पहले पैराग्राफ की रीडिंग करवा देती हूँ आपको। आपका वाला नामा अभी मिला है, जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिस्टर नईमुल हक के खास से जो उन्होंने शेख अब्दुल मजीद को लिखा है, मालूम होता है कि इनके ख्याल में कश्मीर और श्रीनगर दो मुख्तलिफ जगह हैं। इनकी खिदमत में अर्ज करें कि कश्मीर मुल्क का नाम है और श्रीनगर रियासत का, सॉरी श्रीनगर दारुल सल्तनत का। मुकदमा जो भी हो श्रीनगर में होंगे और जहां तक मैं ख्याल करता हूं इनको ज्यादा मुद्दत वहां ठहरना ना पड़ेगा। शेख अब्दुल मजीद साहब का खत मुझे आज आया है, जिसमें वो लिखते हैं कि सैयद नईमुल हक साहब का सफर खर्च कश्मीर कमेटी की तरफ से अदा होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि सैयद साहब मसूफ इस हकीर रकम को जो सफर खर्च की सूरत में इनकी खिदमत में पेश की जाएगी कबूल ना करेंगे और ये काम जिला मुसलमानों के लिए करेंगे। कश्मीर कमेटी के पास ज़्यादा फंड नहीं है, वरना मैं खुद सैयद साहब की खिदमत में पेश करता। इस वास्ते मेहरबानी करके इनकी खिदमत में अर्ज करें कि अगर आप किसी किस्म के मुआवजे और सफ़र खर्च के लिए इन खिदमत करें तो
अल्लाह के नज़दीक अजर जजील के मुस्तहिक होंगे, यानी बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा सिला करने अजर जजील को, और अल्लाह की तरफ से किसी और सूरत में इसका अजर ज़रूर मिल जाएगा। स्टूडेंट, ये पैराग्राफ जो है थोड़ा समझने के लिए है। एट क्लास को मैं आपको ज़ुबानी समझाती हूँ कि इलामा इकबाल कश्मीर कमेटी के सदर थे, आप मिस्टर नईमुल हक जो हैं वो वकील हैं, और वो कश्मीर कमेटी की तरफ से कश्मीर का मुकदमा मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि कश्मीर और श्रीनगर दो मुख्तलिफ जगहें जो हैं वो पास पास हैं या दूर हैं। उनको इलामा इकबाल ने अपने इस खत में ये कन्फ्यूजन उनकी दूर करने की कोशिश की कि कश्मीर और श्रीनगर जो है एक, मतलब एक ही जगह है, अलग अलग नहीं, कश्मीर मुल्क है और श्रीनगर जो है उसका दारुल हुकूमत है, और सारे मुकदमा जो हैं वो श्रीनगर में ही उन्होंने लड़ने थे, मुसलमानों के हक़ में जो लड़ने थे, और उन्हें वहाँ ज़्यादा अरसे के लिए ठहरना भी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात कि कश्मीर कमेटी के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं था कि वो सैयद नईमुल हक साहब को आने जाने का और वहाँ रहने का खर्च अदा कर सके। तो इलामा इकबाल चाहते थे कि आप उन्हें बताएं कि हमारे पास इतना फंड नहीं है और आपको इधर उधर नहीं जाना, कश्मीर के अंदर रहते ही कश्मीरियों के कश्मीर के मुसलमानों के लिए आपने मुकदमा लड़ना है। और जब उन्हें पता चलेगा कि वो उनके पास फंड नहीं है तो इलामा इकबाल को यकीन था कि वो बग़ैर मुआवजे के ही मुसलमानों के लिए और खर्च और सफरे खर्च भी नहीं लेंगे और बिला मुआवजा मुकदमा लड़ देंगे। और साथ में उन्होंने इनके लिए दुआ भी कही कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला उनको बहुत बड़ा जज़ा देगा, किसी और तरह से अल्लाह ताला इस चीज़ का बदला उन्हें किसी और तरीके से, यानी उन्हें सवाब मिलेगा, बड़ा सिला मिलेगा किसी और तरह से, अगर वो ये काम अल्लाह की रजा के लिए बगैर किसी मुआवजे के कर देते हैं। मेरे ख्याल में आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। फिर थोड़ा सा दोबारा आपको बता देती हूँ कि इलामा इकबाल कश्मीर कमेटी के सदर थे और मिस्टर नईमुल हक साहब जो थे वो वकील थे, और कश्मीर कमेटी की तरफ से मुसलमानों के, कश्मीर के मुसलमानों के हक में मुकदमा लड़ रहे थे। पहले तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि कश्मीर और श्रीनगर दो मुख्तलिफ जगह हैं, वो ये समझ, उनके ख्याल में कश्मीर और श्रीनगर दो अलग अलग जगहें थीं। तो पहले ये बताया कि कश्मीर मुल्क का नाम है और श्रीनगर दारुल हुकूमत का, जो भी मुकदमे होंगे वो श्रीनगर में ही होंगे और उनको वहीं वहाँ ज़्यादा मुदत के लिए ठहरना नहीं पड़ेगा। और फिर साथ साथ उन्हें ये भी बताया कि कश्मीर फंड में इतना ज़्यादा, तक कश्मीर कमेटी के फंड इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो उनका आने जाने का खर्च और उनकी फ़ीस अदा कर सके, तो वो अगर अल्लाह की रजा के लिए ये मुकदमा बगैर मुआवजा लड़ेंगे तो अल्लाह ताला उनको अजर जजील के मुस्तहिक होंगे और अल्लाह ताला उनको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा। ये तो पैराग्राफ हो गया। इसके क्वेश्चन है, स्टूडेंट, इलामा इकबाल ने मकतूबे इलाह से क्या कहा, खुलासा लिखें। मैं आपको इसके क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। मकतूबे इलाह का खत लिखने पर शुक्रिया अदा किया और मिस्टर नईमुल हक के खत बनाम शेख अब्दुल मजीद का हवाला देते हुए लिखा कि आप मिस्टर नईमुल हक से मिलें और इन्हें बताएं कि कश्मीर और श्रीनगर दो मुख्तलिफ जगह नहीं हैं, कश्मीर मुल्क है और श्रीनगर इसका दारुल हुकूमत का नाम है, तो मां मुकदमा श्रीनगर में होंगे और इसमें ज़्यादा मुदत खर्च नहीं होगी। शेख अब्दुल मजीद साहब की तजवीज़ है कि मिस्टर नईमुल हक साहब का सफरे खर्च कमेटी को अदा करना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि वो सफरे खर्च लेना पसंद नहीं करेंगे। आप इनसे मिलकर इन्हें बिला मुआवजा, यानी बगैर मुआवजे के मुकदमा लड़ने पर आमादा करें। अल्लाह ताला इनका बेहतरीन, अल्लाह ताला इन्हें इसका बेहतरीन अजर देगा। ये तो हो गया इस पहले सवाल का जवाब, जो खुलासा लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है, सफरे खर्च से क्या मुराद है, तफसील से लिखिए। सफरे खर्च से तमाम ऐसे अखराजात मुराद हैं जो किसी सफ़र के दौरान वाक़िया होते हैं, इसमें सवारी का किराया और आपके खाने पीने का खर्चा भी शामिल होता है। इसी सवाल के जवाब को मैं दोबारा आपके लिए बता देती हूँ। सफरे खर्च से मुराद वो तमाम अखराजात
होते हैं जो किसी सफर के दौरान वाकया होते हैं। इनमें सवारी का किराया और खाने पीने का खर्चा भी शामिल होता है। इस पैराग्राफ का उनवान लिखना है आपने। मैं 2 से 3 उनवान बता देती हूँ आपको। मुकदमा कश्मीर, या फिर लिखिए तारीख, तारीख कश्मीर का एक गोशा, तारीख कश्मीर का एक गोशा, या फिर इलामा इकबाल और मसला कश्मीर। मेरे ख्याल में आप लास्ट वाला लिख लीजिए, इलामा इकबाल और मसला कश्मीर, इस सबक का उनवान। सॉरी, आगे है सैयद नईम हक वकील, इन्हें श्रीनगर क्यों बुलाया गया? आंसर है इसका, कश्मीर कमेटी की तरफ से मुकदमा की पैरवी के लिए जो श्रीनगर की अदालत में जेर समाअत है। कश्मीर कमेटी की तरफ से मुकदमा की पैरवी के लिए जो श्रीनगर की अदालत में जेर समाअत है। आखिरी सवाल है, अजरे जजील के मायने लिखिए। अजरे जजील के मायने है बहुत बड़ा बदला या बहुत बड़ा सिला। ये स्टूडेंट आपके क्वेश्चन हो गए। काफी में इबारत के आंसर मैंने आपको बता दिए। वीडियो को बार बार सुना कीजिए ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। बहुत तफसील से आपको बता दिया जाता है। कॉपी वर्क में आप लोगों ने हतूत दोनों ही कॉपीज पर लिखने हैं। साफ के लाखे जो हैं और तस्कीर तनीस और वाह तानीस और वाह जमा जो है आपने याद करने हैं अपनी वायद इंशा से, उर्दू बी की बुक से। और टफी में इबारत नंबर 2 जो है इसके क्वेश्चन आंसर आप कॉपी पर लिखेंगे। मैंने आपको होमवर्क भी बता दिया, दोनों खतूत कॉपी पर लिखने हैं। टफी में इबारत नंबर 2 के सवालात के जवाब भी आपने कॉपी पर लिखने हैं। बाकी जो आपको मैंने काम करवाया है वो आपने याद करना है। ये था आपका उर्दू बी का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।